हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आज बना रही हूँ चीज़ पास्ता, वो भी वेजिटेबल्स के साथ एंड एक्स्ट्रा चीज़ के साथ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है पास्ता चीज़ मैकेरोनी। ये बस 5 मिनट में बन जाता है, बस इसको उबालना होता है। आपको ये आसानी से बाजार में मिल जाएंगे। इसमें बस थोड़ा सा कर्न डला हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बट बहुत टेस्टी बनेगा। ये देखिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल्स ले लिया है इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। थोड़ा सा कैप्सिकम, थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा बरबटी। आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो इसको हेल्दी बनाने के लिए। मैं यहाँ अमूल बटर यूज कर रही हूँ और ये अमूल चीज है। ये देखिए, कुछ इस तरह से है ये पास्ता खोलने के बाद। मैं इसको डाल रही हूँ कढ़ाई में और ये एक पैकेट पास्ता के लिए 2 कप पानी डाल दीजिए आप। पहले हम सबको मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसको उबाल लेंगे। ये देखिए, ये है इसका मसाला, टेस्ट मेकर है। ज़्यादा कुछ तो नहीं है इसमें, पर इसी से ही हमारे पास्ता का फ्लेवर आने वाला है। ये देखिए, मैंने ये डाल दिया है हमारा टेस्ट मेकर। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। वाइट कलर में ही ये आने वाला है क्योंकि चीज पास्ता है। ये देखिए, छोटे छोटे कर्न भी इसमें डले हुए हैं। इसको आप पहले अच्छे से मिला लेना और मिलाने के बाद इसको उबालने के लिए रख देना 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये बन जाता है। चलिए अब हम हमारे वेजिटेबल्स फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है कढ़ाई। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी बटर। आप चाहो तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये चीज पास्ता है तो मैं यहाँ ले रही हूँ थोड़ी सी बटर ताकि ऑयल की स्मेल ना आए। बटर हो गई है मेल्ट, तो अब इसमें डाल रही हूँ हमारा कैप्सिकम। ये देखिए, ये है कटा हुआ प्याज। आप चाहे तो इसकी मात्रा और भी ज्यादा रख सकते हो। और ये बरबटी, आप इसमें वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड करना दोस्तों, क्योंकि वो तो उसमें और कुछ नहीं है, उसको बस उबालना ही होता है। इससे आपकी फ्लेवर और भी अच्छा आएगी और एकदम कलरफुल भी बन जाएगा, और एक तरफ से देखो तो हेल्दी भी बन जाएगा। आपको पसंद है तो गाजर, मटर ये सब ले लेना, बहुत अच्छा लगता है। आप अगर ऐसे भी बना लोगे ना तो भी वो अच्छा बनेगा, लेकिन एकदम फीका फीका लगता है। आप इसमें वेजिटेबल्स डाल दोगे ना तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ डाल दिया है थोड़ा सा नमक। ज़्यादा नमक मत डालना क्योंकि वो चीज़ बटर एकदम सल्टी होते हैं। ये देखिए, 1 मिनट बाद फ्राई हो गया है हमारे वेजिटेबल्स। इसको ज़्यादा तो नहीं पकाना है, बस गोल्डन कलर में आ गया है ये। अब मैं इसको साइड में रख रही हूँ। यहाँ देखिए, मैंने उबालने के लिए डाल दिया है हमारा पास्ता को। इसको मैं 5 मिनट ऐसे उबालूँगी और ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एकदम ठीक कंसिस्टेंसी आ जाएगी इसकी और हमारा पास्ता भी साइज में बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, 1-2 मिनट बाद इसमें उबाल भी आ गए हैं और धीरे धीरे हमारा पास्ता भी फूल रहा है। इसको आप बीच बीच में चलाते रहना, नहीं तो नीचे लग जाएगी। ये देखिए, थोड़ा सा ठीक हो गया है ये। आपको अगर ऐसे क्रीमी थिन कंसिस्टेंसी में चाहिए हो तो आप ऐसे भी इसको ले सकते हो, और अगर आपको ठीक चाहिए हो तो इसे 1-2 मिनट के लिए और चला लेना।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेरे फ्राइड वेजिटेबल्स। ये देखिए, इससे इसका कलर भी एकदम अच्छा आ रहा है। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर और उबाल लेंगे। फ्लेम लो कर देना इसका, क्योंकि ये बन चुका है। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च। आप अगर चाहो तो रेड चिली फ्लेक्स इसमें डाल सकते हो, बट वो थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। ये देखिए, हमारा चीज पास्ता रेडी हो गया है। अब मैं फ्लेम बंद करके इसमें जल्दी से चीज डाल रही हूँ। और इसको एक दो मिनट के लिए मैं ढक दूंगी, ताकि हमारा चीज भी अपने आप मेल्ट हो जाए। ये देखिए, एक दो मिनट बाद हमारा चीज पास्ता बनके तैयार हो गया है। हमारा सारा चीज भी मेल्ट हो गया है। एकदम क्रीमी थिक चीज पास्ता मैकेरोनी बनके तैयार हो गया है, वेजिटेबल्स एंड एक्स्ट्रा चीज के साथ। बहुत ही यम्मी बनने वाला है ये दोस्तों, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करना वेजिटेबल्स के साथ। ये देखिए, आपको अगर थिन कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप जल्दी फ्लेम बंद कर देना। और अगर कुछ लोगों को चीज़ वगैरह पसंद नहीं है तो आप ये मत बनाना, क्योंकि ये एकदम चीजी होता है, उनको शायद पसंद ना आए, पर बहुत डिलीशियस होता है, एक बार ट्राई तो जरूर करनी चाहिए। और इसमें वेजिटेबल्स डल गया है तो ये एकदम हेल्दी भी हो गया है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप सपोर्टिंग, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।